आपको सत्तू की लिट्टी बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने 250 ग्राम सत्तू ले लिया है। ये चने का सत्तू लिया है मैंने। 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 7 लहसुन की कलियों को बारीक कट कर लिया है। मैं यहाँ पे आधा कटा हुआ नींबू यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप पूरा नींबू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 लाल मिर्ची को कट कर लिया। आप हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब अचार का मसाला लिया हुआ है। आधा चम्मच के करीब मैंने अजवाइन लिया है। 1/4 चम्मच कलौंजी, 1 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है। नमक स्वाद अनुसार हमने सब्जियों में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सारी सामग्री को डाल देंगे सत्तू के अंदर और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। अगर आप अपनी घाटी को 2-3 दिन तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा तेल और डाल दें, और अगर आपको तुरंत खाना है तो इसमें पानी डाल दें। थोड़ा भरने में ईजी हो जाता है अगर आप इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे। अगर आप थोड़ा पानी या तेल ऐड कर देते हैं तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है। और मैं का आटा में तक घूमते वैसे घूम के तैयार कर लिया है। हम इस तरह की प्यारी लोई बना के तैयार कर लेंगे। हम स्टफिंग भरने के लिए इस तरह से कटोरी की तरह तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम दबाते हुए बंद कर देंगे। हमारा दूसरा बनके भी तैयार हो गया। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार आठ में बता दे रही हूँ। तैयार कर लिया है। हमने यहाँ बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया था। हम एक एक करके अपनी सारी लिट्टी को पानी में डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि आप एक साथ सारी लिट्टी को मत डालें वरना चिपक जाएगा सा एक साथ। हम इसे हल्का हल्का सा ऐसे हिला देंगे जिससे कि ये बर्तन के चिपक जाएगा। हम बाकी बची लिट्टी को भी अब इसमें डाल देंगे। पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके पकने का साइन होता है कि ये फूल के ऊपर आ जाती है। देखिए कैसे फूल के ऊपर आ चुकी है। हमने इसे पानी से निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे इसे इसका पानी सूख जाए। फिर इसे तेल गरम कर लिया है। अब एक एक करके अपनी लिट्टी को फ्राई कर लेंगे। हमने इसे फ्राई कर लिया है। हम इसे सर्व कर लेंगे। हमारी सत्तू की लिट्टी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।